दोस्तों हम कवर कर रहे हैं लेटेस्ट करंट अफेयर ट्रिक से। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2019 के विजेता कौन है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2019 के विजेता है लुइस हैमिल्टन, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, याद कैसे रखेंगे। अब यहाँ है लुइस हैमिल्टन, हैमिल्टन का हो जाएगा हेलमेट, बाइक चलाते हैं जब हेलमेट पहनते हैं ना, उस हेलमेट की बात कर रहे हैं। और यहाँ है मैक्सिकन यानी कि मैक्सिमम, भाई आज की डेट में मैक्सिमम लोग हेलमेट पहन कर निकलते हैं, क्यों? क्योंकि भाई अपनी सेफ्टी भी है और चालान से भी आप बच जाओगे। आपको पता ही है चालान दुगने 3 गुना रेट हो गया है, तो चालान से भी बचोगे, अपनी सेफ्टी भी है, इसलिए मैक्सिमम लोग हेलमेट पहन कर निकलते हैं। नेक्स्ट, 31 अक्टूबर से शक्ति युद्ध अभ्यास 2019 भारत व अन्य किस देश के मध्य शुरू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन डी फ्रांस। देखिए हाल ही में यानी कि 31 अक्टूबर से शक्ति युद्ध अभ्यास शुरू हुआ भारत और फ्रांस के मध्य। और भाई इस युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में। हमें इतना याद रखना है कि शक्ति युद्ध अभ्यास भारत व अन्य किस देश के मध्य होता है, तो भाई फ्रांस और भारत के मध्य होता है। और यहाँ आ रहा है शक्ति, शक्ति युद्ध अभ्यास यानी कि शक्ति, शक्तिशाली कौन? भारत शक्तिशाली है और भी शक्तिशाली कब बना? जब भाई हमने फ्रांस से राफेल विमान लिए, भाई हमने फ्रांस से राफेल विमान लिए है ना, तो उससे भारत और भी शक्तिशाली बन गया, तो शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी दत्ता पडसलगीकर। कौन? दत्ता पडसलगीकर, ये हाल ही में डिप्टी एनएसए नियुक्त किए गए हैं। और भाई अगर कोई पूछ ले कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो बिल्कुल ईजी है, अजीत डोभाल। और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं वो है दत्ता पडसलगीकर। याद कैसे रखेंगे? देखिए बात हो रही है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम पड़स पड़ोसी लगीकर की वाट लगा देंगे। भाई जरूरत पड़ी ना तो अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम पड़ोसी देश की भी वाट लगा देंगे। पड़स का हो गया पड़ोसी और लगीकर लगा देंगे, वोट लगा देंगे पड़ोसी देश की अगर जरूरत पड़ी तो। नेक्स्ट, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सीईओ की सूची जारी की है, इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए जेनसेन हुआन। अब ये कौन है? ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया के सीईओ है। इस सूची में 100 सीईओ को शामिल किया गया है और खास बात बताऊं मेरे भाई, टॉप 10 में 3 भारतीय मूल के सीईओ भी हैं। कौन कौन है? छठे नंबर पर है शांतनु नारायण, अबोर्ड कंपनी के सीईओ हैं। और भाई सातवें नंबर पर है अजय बंगा, मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। और नौवें स्थान पर है सत्य नडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। अब भाई इन सबको ट्रिक से याद करेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछ लें। तो सबसे पहले है शांतनु नारायण, शांतनु का हो जाएगा शांति, और ये किस कंपनी के सीईओ है? अबोर्ड। अबोर्ड का हो जाएगा अबे ओ, शांत हो जा, हंगामा हो रहा है, शांति दूर दूर तक नहीं है, तो बंदा परेशान होकर यही बोलेगा ना, अबोर्ड अबे ओ, अबोर्ड अबे ओ मेरे भाई शांत हो जा, शांतनु शांत हो जा भाई। नेक्स्ट अजय बंगा, ये मास्टर कार्ड के सीईओ, आपको कल भी ट्रिक से कराया था, मास्टर कार्ड यानी कि मास्टर जी, जब पढ़ाते थे और हम नहीं पढ़ते थे तो इतना पीटते थे, अच्छा खासा स्टूडेंट भी बांगा बांगा चलने लग जाता था। अजय बंगा यानी कि अच्छा खासा स्टूडेंट है, मास्टर की मार खाने के बाद पिटाई के बाद वो बांगा बांगा चलने लग जाता था। तो भाई अजय बंगा हो गए मास्टर कार्ड के सीईओ, ये भूल मत जाइयो। नेक्स्ट बिल्कुल इजी है, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? जवाब दीजिए भाई।
अगर आपने चुना ऑप्शन सी राफेल मारियानो ग्रोसी तो सही जवाब चुना है। अब यहां पर एक शब्द आ रहा है राफेल, आपका जाना पहचाना है ना भाई, राफेल विमान हमारे पास आने शुरू हो गए ना, फ्रांस से ले रहे हैं, तो राफेल मारियानो मारियान है, मारी हमारी यानो यान है भाई, राफेल हमारी यान है। और किस प्रकार की यान है भाई, उस यान में हम परमाणु ऊर्जा अभिकरण परमाणु हथियार भी ले जा सकते हैं, राफेल विमान से हम परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल लीजिए, है बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की, परमाणु की बात हो रही है, और हमारे पास है राफेल विमान जिसमें हम परमाणु हथियार भी ले जा सकते। नेक्स्ट, हाल ही में गोल्फ टूर्नामेंट जोजो चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता? अगर आपने चुना ऑप्शन ए टाइगर वुड्स तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए हाल ही में आयोजित गोल्फ टूर्नामेंट जोजो चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीत लिया है टाइगर वुड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ग्लोब बायो इंडिया 2019 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? ऑप्शन डी नई दिल्ली में, और कब किया जाएगा? 21 से 23 नवंबर 2019। देखिए ग्लोबल बायो इंडिया 2019 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा 21 से 23 नवंबर तक। नेक्स्ट, इराक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए? थोड़ा टफ हो सकता है भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन ए बीरेंद्र सिंह यादव तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए इराक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत होंगे बीरेंद्र सिंह यादव, ये किसकी जगह लेंगे? ऑप्शन बी देखिए प्रदीप सिंह राजपुरोहित, इनकी जगह लेंगे बीरेंद्र सिंह यादव। अब देखिए इराक, ई को निकालेंगे बनेगा राक, रॉक, रॉकी, रॉक स्टार भाई, WWE के फाइटर है ना रॉक, और उनसे पंगा कौन लेगा? बीरेंद्र, वीर, वीर, जो वीर होगा वो ही भाई रॉकी से पंगा लेगा। दोस्तों हाल ही में बहुत से देशों में भारतीय राजदूत इधर उधर बदली किए गए हैं, नई नियुक्तियां की गई हैं, तो भाई इन पर एक स्पेशल वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे ट्रिक से। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, और ये होगा आप सभी के लिए चैलेंज। हाल ही में अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, सही जवाब कॉमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा भाई, क्वेश्चन ये आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में दिलीप पारिक का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? अगर आपने चुना ऑप्शन ए गुजरात तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए हाल ही में दिलीप पारिक का निधन हो गया, वे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो भाई हमारी करंट अफेयर हो चुकी है कंप्लीट, कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।